हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विटिएशन में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपका उत्तराखंड लैब असिस्टेंट और दूरसंचार विभाग के लिए इंपॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल हैं कुछ फिजिक्स के, जिसमें आपके लैंस से लिए हुए हैं क्वेश्चन, और उसके अलावा आपके यहाँ पे पावर से लिया गया है, और इसके अलावा एनर्जी से भी एक दो क्वेश्चन है। तो इस टाइप के इसमें क्वेश्चन है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको इसमें चेक करना है कि आपको इसमें कितना आता है। इससे पहले आपके 3 पार्ट इससे अपलोड किए जा चुके हैं, आपको वो भी पुराने देख लेने हैं। वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, प्लेलिस्ट में चले जाइए। फिजिक्स के आपको वहाँ पे टोटल जितने भी अभी तक के MCQ करा रखे सब मिल जाएंगे, साथ में आपको फिजिक्स के पूरे क्लासेस भी वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, आगे बात करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका यहाँ पे पी जो पावर है किसी लेंस के लिए वो माइनस में कब होता है और प्लस में कब होता है, क्योंकि यहाँ यहीं पे गलती होती है। आपको करना आता है, फॉर्मूला आपको याद है, बस गलती कहाँ पे होती है। मान लीजिए आपको फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकस दूरी दी है 50 सेंटीमीटर और यहाँ पे आपको दी है -50 सेंटीमीटर। तो इसको कैसे करेंगे हम, देखिए यहाँ पे 50 सेंटीमीटर दी हुई है आपको एफ़ की वैल्यू और आपसे पूछा जा रहा है पी की वैल्यू। अब वहाँ पे आपको माइनस में भी प्लस में भी दोनों जगह पे दिया रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, पी इक्वल टू आपका क्या होता है, 1/f होता है। तो पी इक्वल टू आपका 1/f हो जाएगा। एफ़ की वैल्यू आपको दी हुई है, एफ़ की वैल्यू आपकी कितनी है, 50 है, और यहाँ पे आपकी -50 है। तो पी इक्वल टू 1/f, और ये देखिए यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में दिया। हमेशा आपको याद रखना है जो एफ है आपका, बहुत लोग क्या करेंगे आपका 1/50 कर देंगे और वहाँ पे उसका भी आंसर आपका मैच करेगा। आप उसको सही समझेंगे लेकिन वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, एफ़ की वैल्यू हमेशा मीटर में होती है, ये आपको अच्छे से नोट करके रखना है। कभी भी आप इसमें नोट करेंगे, जो आपका पी निकलेगा डायोप्टर में, इसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है। यहाँ पे एफ आपका किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो 50/, इसको आप कर सकते हैं मीटर में, अगर चेंज करेंगे तो 50/100 कर लेंगे इसको आप, या फिर इसको आप क्या लिख लेंगे, 1/2 लिख लेंगे। तो पी इज इक्वल टू 1/f, एफ की जगह पे क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे। ये 2 आपका ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ से 2 ऊपर चला गया तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 इसका आंसर आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा, आपका पावर की वैल्यू। अब देखिए, प्लस में दिया हुआ था, यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है फोकल लेंथ, और यहाँ पे आपको माइनस में दिया हुआ है। अब माइनस में दिया है तो उसमें क्या आ जाएगा, आपका -2 आ जाएगा। अब आपको ये भी याद रखना है कि आपका जो कॉनकेव होता है, जो आपका, उसको बोलते हैं अवतल। इसमें आपका जो आपका पावर होता है वो निगेटिव होता है, ये आपको अच्छे से नोट करके रखना है। ये आपको कहीं पर दिखेगा नहीं, अगर आपको मतलब वहाँ पर अगर प्लस में भी दिया है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, साइन नहीं दिया हुआ है, तो आपको याद होना चाहिए कि अगर हमारा कॉनकेव है, मतलब आपका अवतल है, तो वहाँ पे आपका निगेटिव में होता है। अगर बात करते हैं उत्तल की, तो मतलब कॉन्वेक्स है आपका, कॉन्वेक्स है, वहाँ पे आपका पावर किस में होगा, हमेशा पॉजिटिव में होगा। तो ये भी आपको नोट करके रखना है। अब आगे इसमें बात करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो पॉजिटिव आपका अगर आ रहा है, फोकल लेंथ आ रहा है, और यहाँ पे आपका कॉन्वेक्स हो जाएगा। अगर आपका निगेटिव आता है तो आपका कॉनकेव हो जाएगा। तो एक पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका, देखिए आपको एक स्फेरिकल लेंस दिया हुआ है, और आपको यहाँ पे दिया हुआ है ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है आपको गिवन है। यहाँ पे यू इजिकल टू -45 सेंटीमीटर है, वी इजिकल टू 90 सेंटीमीटर है प्लस में, और H1 आपको दिया हुआ है। अब H1 क्या होता है आपका, ये आपको मैं पूरी क्लासेस पहले करा चुका हूँ, पूरा ब्रीफ में आपको समझा रखा है हर एक टॉपिक के बारे में। जिन्होंने वो नहीं देखी तो वो मैंने आपको बोल दिया, प्लेलिस्ट में आपको दोनों मिलेंगे। एक आपको क्विज मिलेगा, मॉक टेस्ट इस नाम से मिलेगा आपको प्लेलिस्ट में एक, और दूसरा मिलेगा आपको एक फिजिक्स के चैप्टर वाइज क्लासेस। तो यहाँ पे देखिए, वहाँ पे सब कुछ आपको बता रखा है, जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके आप उसको पूरा देख सकते हैं। तो H1 आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आपको यहाँ पे निकालना है, H2 निकालना है। H1 क्या होता है आपका, H1 होती है आपकी वस्तु की लंबाई, मतलब वस्तु की लंबाई, ये आपका स्टार्टिंग में जो V होता है ये आपकी H1 होता है, और प्रतिबिंब की लंबाई जो आपका है ये U है यहाँ पे, और ये प्रतिबिंब की लंबाई जो आपकी बाद में निकलती है ये आपका होता है V, जो यहाँ से आपका बीच में अगर कोई भी लेंस है तो यहाँ से इसकी दूरी V होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, H2 बोलते हैं। तो इसी से हमारा MB निकलता है, और इससे देखते हैं अभी आगे आपसे क्या बोला है। तो यहाँ पे देखिए, आपको दिया हुआ है H1 दिया हुआ है, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, आपका लेंस फॉर्मूला होता क्या है, 1/f इजिकल टू 1/V -1/U होता है। अब देखिए, ये माइनस यहाँ पे फॉर्मूले में ही है। अब यहाँ पे आपका यू भी माइनस में है, तो आपको माइनस में ही वैल्यू वहाँ पे रखनी है, ये नहीं कि आपको यहाँ पे माइनस दे दिया तो आपने यहाँ पे माइनस नहीं रखना है। तो यहाँ पे देखिए, आपको क्या किया, 1/90 हो गया, -1/-45 हो गया। तो यहाँ पे देखिए, माइनस माइनस आपका ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो गया। एलसीएम ले लिया आपने 90, तो ऊपर आ जाएगा आपका 1+2, तो 3/90 हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 1/30 हो जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1/f इजिकल टू वाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो f इजिकल टू 30 सेंटीमीटर आपका निकल जाएगा। तो फोकल लेंथ यहाँ पे निकल गई आपकी। अब इसी से आप यहाँ पे पावर भी निकाल सकते हैं, अगर पावर आपसे पूछ लिया जाए। अब आपसे पूछा गया था
एच टू की वैल्यू पूछी गई थी, तो एच टू का फॉर्मुला मैं आपको ये भी बहुत बार बता चुका हूँ, एम इजिकल टू आपका क्या होता है, एच टू अपॉन एच वन होता है, इजिकल टू वी अपॉन यू होता है। आपको जो भी दिया हुआ है उस हिसाब से आप इसमें कर सकते हैं। आपको इसमें एम तो दिया नहीं है, तो आप इन दो फॉर्मुलों का यूज़ कर सकते हैं। कौन से फॉर्मुलों का? यहाँ से आपको इन दोनों का यूज़ करना है। कैसे करेंगे? यहाँ से अगर यहाँ से आप एच टू निकालते हैं तो एच टू इजिकल टू आपका हो जाएगा वी अपॉन यू इन टू एच वन। तो आपको V भी पता है, U भी पता है और H1 भी आपको पता है, तो यहाँ से आप H2 निकाल सकते हैं आसानी से। तो V की वैल्यू आपकी 90 है, U की वैल्यू आपकी 45 है माइनस में, और H1 की वैल्यू आपकी 2 है। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो H2 की वैल्यू निकल जाएगी आपकी -4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फोकल लेंथ दी हुई है, फोकस दूरी दी हुई है आपको 10 सेंटीमीटर, V आपको +20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और उसके बाद आपसे बोला जा रहा है जो आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। आपको देखिए वही चीज़ बोल रही है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट की हाइट h1 आपको दी हुई है, तो h1 आपको 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वही आपसे फिर से यहाँ पे u की वैल्यू पूछी जा रही है, तो u कैसे निकालेंगे? देखिए f दिया हुआ है, v दिया हुआ है, तो 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u होता है। तो 1/u अगर आपको निकालना है तो u को निकालेंगे, इसको इधर रख देते हैं और इसको आपका इधर भेज देते हैं। तो 1/u यहाँ माइनस में था तो ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ प्लस में आ गया, और यहाँ पे आपका जो 1/f वहाँ माइनस में था, प्लस में था, यहाँ पे आपका माइनस में आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1/20 माइनस 1/10 इजिकल टू आपका आ जाएगा 20 एलसीएम ले लिया, ऊपर आपका 1 माइनस 2 आ गया तो माइनस 1/20 आ गया। अब ये आपका क्या है, 1/u इजिकल टू आपका आ गया माइनस 1/20 आ गया। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यू इजिकल टू आपका कितना जाएगा, -20 सेंटीमीटर। तो आपको पता है वहाँ पे आपको बता रखा था साइन में कि आपका अगर यू किस में होता है, आपका दोनों जगहों पे माइनस में ही होता है। अब वहाँ पे +20 पे रहेगा और कितने लोग वहाँ पे गलत कर देंगे उस चीज़ को, देखिए इस तरीके का दिखता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनना तय है जिसमें आपको रेशियो पूछा जाएगा। देखिए तो आपको मास दिया हुआ है किसी ऑब्जेक्ट का, एम दिया हुआ है, द्रव्यमान m दिया हुआ है, v1 और v2 आपको वेलोसिटी दी हुई है दो, यहाँ पे क्या है आपका 2 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड आपको दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है काइनेटिक जो एनर्जी है उनकी, उनका रेशियो पूछा जा रहा है, तो के ई वन रेशियो के ई टू आपसे पूछा जा रहा है। तो कभी भी अगर रेशियो वाले क्वेश्चन आपको मिलते हैं वहाँ पे आपको देख लेना कि सेम चीज़ें क्या हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, तो एम वी वन स्क्वायर और एम वी टू स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 1/2 तो कहीं भी चेंज होने वाला नहीं है, तो ये अगर आपको रेशियो निकालना है वैसे कट जाना है, और एम भी आपका सेम दिया हुआ है यहाँ पे, तो एम से भी एम कट जाना है, तो आपको सीधे वी वन स्क्वायर अपॉन वी टू स्क्वायर करना है। तो ये मैंने आपको पहले भी अच्छे से समझा रखा है कि कैसे आपको ऐसे क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्या करना है, वी वन स्क्वायर अपॉन वी टू स्क्वायर, तो यहाँ पे v1 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर करेंगे तो 4/36 आपका आ जाएगा डायरेक्ट, और 1/9 इसको कट करेंगे तो 1/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया हुआ है, मास आपको दिया हुआ है 200 ग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, 200 ग्राम यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे इसको हम केजी में चेंज करेंगे, 0.2 केजी हो जाएगा। हाइट आपको दी हुई है 5 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी आपको u दिया हुआ है 0, अगर नहीं भी दिया है मतलब आप समझते हैं कि इससे पहले वाली वीडियो में इसके बारे में बात की हुई है कि अगर कोई चीज़ें रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है तो वहाँ पे u आपका 0 हो जाएगा, और आपका उसके बाद ग्रेविटी के कारण यहाँ पे आपका त्वरण कितना हो रहा है वो भी आपको दिया हुआ है। अगर ये भी आपको नहीं दिया है तो आपको खुद ही इसका वैल्यू पता है। फाइनल वेलोसिटी आपसे v पूछी जा रही है, और उसके अलावा आपका यहाँ पे एक चीज़ और पूछी जा रही थी आपसे, काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे पूछी गई है। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें V पता है, सॉरी हमें V निकालना है, U हमें पता है, और 2GS होता है, हमारा फॉर्मूला होता था वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS होता था यहाँ पे। अब ये देखिए यहाँ पे A की जगह पे हमें G दिया हुआ है, तो G की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका वी स्क्वायर माइनस 0 इजिकल टू 2 इंटू जी की वैल्यू 9.8 और एस की वैल्यू आपको 5 दी हुई है। तो यहाँ से आपका वी स्क्वायर इजिकल टू क्या निकल गया आपका 98 निकल गया। तो अब उसके बाद यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पूछी गई थी, तो हाफ एम बी स्क्वायर होता है, तो वी स्क्वायर की जगह आपको क्या रख देना है 98 यहाँ पे ये वैल्यू आपने यहाँ पे रख देनी है। तो एम की वैल्यू हाफ एम आपको दिया हुआ था 0.2 इंटू 98, तो अगर इसको करेंगे तो इससे आपका ये कटेगा 0.1 और यहाँ पे आपका 0.1 इंटू आपका 98 अगर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9.8 जूल। तो इस तरीके से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकाली जाएगी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपको, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको एक मास दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है कि 45 स्टेप हैं जो आप 9 सेकंड में चढ़ जाते हैं और एक स्टेप की हाइट आपको दी हुई है 15 सेंटीमीटर। तो आपसे पावर पूछा जा रहा है, जी की वैल्यू आपने यहाँ पे 10 रखनी है। तो देखिए अगर जहाँ पे जी की वैल्यू नहीं दी है वहाँ पे आप 10 रख के ही काम कीजिएगा, वहाँ पे 9.8 मत रखिएगा क्योंकि वहाँ पे आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी। तो हमेशा जी की वैल्यू की जगह पे आपको 10 रख लेना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देखिए वेट
अगर हम निकालते हैं तो W इजिकल टू एम जी होता है आपका, तो एम आपको दिया हुआ है 50 और जी आपका पता है आपको 10 है, तो 500 न्यूटन आपका क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। और अगर हाइट आपसे पूछी जाती है तो हाइट आपका कितना हो जाएगा, एच इजिकल टू आपका कितना हो जाएगा, 45 स्टेप है और एक स्टेप की आपकी ऊंचाई है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर और 45 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हाइट हमारी निकल जाएगी, वो निकल जाएगी हमारी 675 सेंटीमीटर। अब हमें मीटर में चाहिए तो अपॉन 100 कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6.75 मीटर आ जाएगा। और वहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है कितना, 9 सेकंड दिया हुआ है। तो आपको फॉर्मूला भी पता है कि पी इजिकल टू आपका क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन टी, जहाँ पे आपको टी पता है डब्ल्यू आपने निकालना है। डब्ल्यू आपका कैसे होगा, वर्क डन होता है, तो वर्क डन आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए डब्ल्यू इजिकल टू एम जी एच होता है आपका, तो एम आपको पता है, जी आपको पता है, एच आपको पता है और टी भी आपको पता है, तो यहाँ पर से आप अपना पी आसानी से निकाल सकते हैं। तो पी कैसे निकलेगा आपका, 500 इंटू 6.75 अपॉन 9 इजिकल टू आपका कितना आ जाएगा, 375 वॉट आ जाएगा, तो पावर यहाँ पर से निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, एफ आपको दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर। अगर आपसे एफ आपको नहीं दिया, मतलब माइनस में नहीं दिया होता, तो आपको वहाँ पर साफ साफ लिखा रहेगा कि आपका ये क्या है, कॉनकेव लेंस है या कॉनकेव मिरर है वहाँ पे आपका, और जिस हिसाब से आपको दिया हुआ है तो वहाँ पे अगर आपको माइनस नहीं दिया रहेगा तब, तो अगर आपको माइनस सीधे सीधे मिल जाता तो आप सीधे सीधे समझ जाएंगे, कोई आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। और वी की वैल्यू आपके देखिए यहाँ पे -10 दिया हुआ है पहले से ही, तो आपको यहाँ से क्या निकालना है, अब आप यहाँ से यू निकाल सकते हैं, 1/f = 1/v - 1/u होता है, तो 1/u = आपका क्या हो जाएगा, 1/v - 1/f हो जाएगा। तो 1/v की जगह पे -10 रख दिया है और आपका 1/f की जगह पे -15 रख दिया, तो निकलेंगे अगर यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं तो -1/30 निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे u = -30 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद m निकाला गया, m का वैल्यू मैंने आपको बताया था अभी, फॉर्मूला क्या था अपना, v/u था, तो v की वैल्यू आपको पता है -10 दी हुई है, u की वैल्यू -30 हो गया, तो माइनस से माइनस कट गया, 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो v अपॉन u आपका यहाँ से ये फॉर्मूले से इसको कर लेंगे, तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है m इज लेस देन 1, तो यहाँ पे आपका इमेज कैसा होगा ये आपसे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो m की तीन वैल्यू थी, m इज इक्वल टू 0, m ग्रेटर देन 1 और m लेस देन 1, तो इन तीनों के बारे में अच्छे से आपको ब्रीफ में वहीं पर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, तो ये चीज़ें वहाँ पर अभी मैं यहाँ पर नहीं बताता हूँ। उसके बाद देखिए आपको क्या पास है, आपके पास देखिए यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन है, देखिए आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, साइन आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको आपको खुद करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देखिए कॉनकेव लेंस दिया हुआ है और आपको एफ दिया हुआ है, तो आपसे पी पूछा जा रहा है, तो माइनस में 5D होगा, बहुत लोग इसको क्या करेंगे 5D प्लस का आंसर करके आ जाएंगे, तो कैसे कर रखा है ये आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद देखिए आपको दूसरा दिया है, कॉन्वेक्स दिया हुआ है और उसके आपको फोकल लेंथ दी है 25 सेंटीमीटर, पावर पूछा जा रहा है, पावर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। आगे बात करते हैं, उसके बाद देखिए सेम वही क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे देखिए आपको पावर दी हुई है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे, पी इजिकल टू आपका हो जाएगा 1/f, तो पी की वैल्यू आपकी कितनी है, -2 है, डायोप्टर में है और 1/f हो जाएगा, तो f की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 1/-2 हो जाएगा, तो इसको कितना हो जाएगा ये आपका 2 से ऊपर करेंगे तो 0.5, तो कितना हो जाएगा, f इजिकल टू आपका हो जाएगा 0.5 मीटर, वो भी आपका माइनस में। तो देखिए यहाँ पे 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वही मतलब आपका आधा मीटर है, तो मतलब 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर इसको कर सकते हैं, तो -50 सेंटीमीटर ये निकल जाएगा। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है, -3 है, आपको लेंस का नाम बताना है और उसका यू और वी का किस कैसे रिलेट करते हैं वो आपको बताना है कि क्या होगा, माइनस होगा प्लस होगा, तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, और अगर आपको नहीं आता तो कमेंट में बता सकते हैं, अगले वीडियो में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतनी बातें कर ली हमने, अगली वीडियो में देखिए आपका फिर से केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल आपको दिए जाएंगे, कितने केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल बन सकते हैं, कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, और जिन्होंने पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाएं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पुरानी वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है पुरानी वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।